बैक टू माई चैनल। मैं नेहा अग्रवाल और आज है नवमी। मैं बना रही हूँ पूरी, हलवा, चना और पंजीरी, पंचामृत। पंजीरी पंचामृत रामनवमी के लिए। करेक्ट 12 बजे मैं रामनवमी की आरती करूँगी, पूजा करूँगी, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ पंजीरी और पंचामृत। और आप लोग क्या क्या करते हैं आप बताइएगा। तो और आप देखिएगा मैं किस तरह चना बनाती हूँ, पूरी, हलवा, उसकी मैं तैयारी कर ही रही हूँ। और आज हमारे यहाँ होगा हवन। और कन्या तो वैसे बहुत आती थी, बट इस बार हमें छोटी सी कन्या है, उसको ही हम उसी से एक ही कन्या को खिलाएंगे। हम तो खिला नहीं पाए, नहीं तो करने के लिए भी चीज़ें गिफ्ट दो अच्छा लगता है, बट इस समय ऐसा कोरोना वायरस है तो माता रानी तो भगवान जी से पिछले नवरात्र में ये हमारे घर में बिकी हुई थी। नवरात्र का पहला दिन या तीसरा दिन था जब ये हुई थी बहुआ मेरी, तो वैसे भी माता रानी आई थी इस बार। माता रानी के साथ ही हम लोग कर रहे हैं। और हमारी भाभी की बेटी है वो भी नवरात्र में हुई थी, वो फर्स्ट नवरात्र में, मतलब नवरात्र का पहला दिन था। और उसका नाम हम लोग ने रखा माता रानी के नाम पर नित्या। बहुत क्यूट, बहुत सुंदर है। तो मैं बनाऊंगी पंचामृत, जिसके लिए मैं काट रही हूँ मखाना। और ये मेरी देवरानी काट रही है मखाना। और 5 मेवा काटना है, गरी हम लोग काट चुके हैं। और आज के दिन हम लोग बनाते हैं चना, जिसमें प्याज आज बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो रात में हमने चना भिगो के रख दिया था और बस उसको बिन रहे हैं कि उसमें कंकड़ ना हो। और तो बस मेरा चना पूरा बिन गया है, कंप्लीट हो गया। तो बादाम, पिस्ता ये कट कर रहे हैं, मेरी देवरानी कट कर रही है। किशमिश, गरी कटा हुआ है, तो बस फटाफट हम लोग बादाम काटते हैं। ये मेरा सारा मेवा कट गया है जो मैं पंजीरी में और पंचामृत में डालूँगी। और बस आटा सानने जा रहे हैं। वैसे तो मैं हर बार बहुत ज़्यादा आटा सानती थी क्योंकि कन्या आती थी और खिलाने में, पता नहीं कि मुझे बना के खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार सिर्फ घर के लिए, जितने लोग घर में उनके लिए बनेगी पूड़ियाँ। और मेरी देवरानी फटाफट सारी तैयारी कर रही है और शायद मैं भी उसके साथ लगी हुई हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ। तब तक मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरी देवरानी ही आटा सानने जा रही है। चने में प्याज, लहसुन ये सब आप ना डालिए, और अदरक को घिस के डाल दीजिए तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है। तो बस उसके लिए वो अदरक को घिसना है। हम लोग की छोटी सी कद्दूकस है, जिसे ज़्यादातर हम लोग चाय में भी उससे कद्दूकस करके अदरक को डालते हैं। तो बस ये कद्दूकस करके अदरक, और उस चने में हम लोग को डालनी है हरी मिर्च। मैंने आपको बताया था मेरा चॉपिंग ट्रे है और जिसमें चक्कू के निशान पड़ गए, तो मैं उसे बहुत कम यूज करती हूँ। तो किचन के प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग ज़्यादातर सब्जियाँ इस तरह काट लेते हैं। मैं चॉपिंग ट्रे लेके आऊँगी तो मैं उसे यूज करूँगी। फ़िलहाल मैं ज़्यादातर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म में ही सब्जियाँ कट कर लेते हैं। तो बस अब हम बनाने जा रहे हैं चना, जिसमें मैंने डाला है मूंगफली का तेल। इस बार तो नवरात्र बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, लग ही नहीं रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब ज़्यादा कन्या आती थी, उनका पैर धुलिए, रंग लगाइए और ढेर सारा बनाइए, उन लोग को खिलाइए। और जितनी आती थी अब उनको
हमारे यहाँ घर में जितने लोग हैं सब एक एक गिफ्ट देते थे, तो सब खुश होकर जाती थी, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता था। इस बार हमने वो सब मिस कर दिया, बट ठीक है, इस बार सब अपने घर पे रहिए जितना हो सके, इस बीमारी से जीतना है। आप सब लोग सहयोग कीजिए, घर पे रहिए, मैं बार बार आप सबसे यही कहूँगी, हमारी विनती है कि आप जितना हो सके सहयोग दीजिए, घर पे रहिए। तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, अदरक कद्दूकस किया और मिर्चा, जब मैं ये चना बनाती हूँ तो मैं ऑयल की मात्रा ज़्यादा करती हूँ, ढंग से डालती हूँ। आप चना ना बनाइए तो ऑयल ढंग से डालिए, और इसमें तो वैसे भी प्याज व्याज नहीं पड़ता है, तो मैं तेल जीरा अदरक अच्छे से डालती हूँ। और आप कभी ऑयल में अदरक डायरेक्टली डालिए तो वो चिपकने लगता है। और बस मैंने इसमें चना डाल दिया है, और ये है धनिया पाउडर, सॉरी मैंने पहले गरम मसाला डाल दिया 2 चम्मच, और ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर 3 से 4 चम्मच। मेरे चम्मच छोटे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरे चम्मच छोटा है, तो 4 चम्मच धनिया पाउडर मैंने डाला, और 2 चम्मच गरम मसाला। मेरा गरम मसाला बहुत अच्छा है, और ये धनिया, सॉरी ये हल्दी, 2 चम्मच हल्दी, लाल मिर्चा मैंने 1/2 चम्मच डाला, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते, और हरी मिर्च भी मैंने 4 से 5 डाली है, तो इसलिए मैंने लाल मिर्चा 1/2 चम्मच डाला है। अब इसको अच्छी तरह मिला दीजिए, और मैं सोडा नहीं यूज करती हूँ, बहुत लोग चना बनाते हैं उसमें सोडा डालते हैं, और ये मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक। आप इसको भी अच्छी तरह मिला दीजिए, और ये गरम पानी डालिए, जितनी चीज़ों में आप गरम पानी डालेंगे आपकी चीज़ें जल्दी बनेंगी, और आज के दिन तो जल्दी ही रहता है। मैंने ज़्यादा पानी डाला है ताकि अच्छी तरह चना पक जाए, वैसे मैं सूखा चना ही बनाऊंगी, कि मैं उसको अच्छे से सुखा दूंगी 5 से 10 सीटी के बाद। और ये मैं भून रही हूँ पंजीरी, मैं बहुत थोड़ा ही पंजीरी बना रही हूँ, ताकि इतना बनाऊँ जितना सब खा के तुरंत ख़त्म कर दे। तो बस मैंने आटे को देसी घी में मैं भून रही हूँ, और आप इसको धीमी आँच में देर तक भूनिए, जब तक महक एक स्मेल अच्छी से आती। आप जब पंजीरी भूनेंगी आप 15 मिनट बाद आपको पता चल जाता है, हाँ आटा आपका भुन गया है। मेरी पंजीरी ऑलमोस्ट भुन चुकी है, मैं जा रही हूँ बनाने पंचामृत। और ये दही मैंने जमा के रख दिया था 1 दिन पहले, भैंस का दूध, भैंस के दूध की दही है, जो कि बहुत अच्छी और गाढ़ी जमी हुई है, जो मेरा दूध वाला है बहुत अच्छा दूध देता है। मैं एक साथ पंजीरी को जो मैंने भुना है वो गर्म है, तो मैं अभी इसमें शक्कर नहीं मिलाऊंगी, तो और मैंने जो पंचमेवा काटा है तो मैं आधा आधा कर लूँगी, क्योंकि आधा मैं पंजीरी में डालूँगी, आधा मैं पंचामृत में, और पंचामृत में मैं ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है पंचामृत में मेवे ज़्यादा डालिए। और ये पिसी हुई शक्कर है, हम लोग ने दिवाली के टाइम पे शक्कर ज़्यादा पीस के रख ली थी। तो आप देख ही रहे होंगे कि पंचामृत में मैं शक्कर डाल रही हूँ,
और इसमें अच्छी क्वांटिटी में शक्कर डालिए तो अच्छा लगता है। तो 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें शक्कर डाला और मैं अलग कर रही हूँ पंचामृत के लिए, आधा ड्राई फ्रूट मैं इधर अलग करके रख दे रही हूँ, अभी मैं मिक्स नहीं करूँगी जब तक मेरी पंजीरी ठंडी ना हो जाए, तो बस मैं इसे साइड करके रख दे रही हूँ। ये मेरे 5 मेवे थे, अब ये पूरा बचा हुआ मेवा मैं पंचामृत में डाल दूँगी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं बनाने पूड़ियाँ, और आप जब भी कभी पूड़ी का आटा सानिए तो उसको थोड़ा कड़ा सानिए, उससे आपकी पूड़ी अच्छी बनती है। और फिर भी मेरा आटा थोड़ा सा मुलायम हो गया, जैसा मैं चाहती थी कड़ा वैसा नहीं है। सबसे पहले मैं एक छोटी सी पूड़ी बनाती हूँ अग्नि माता के लिए, मैं चाहे रोटी हो पराठा हो पूड़ी हो, सबसे पहले मैं एक छोटा सा बना के पहले अग्नि माता में चढ़ाती हूँ, मतलब मैं गैस पर रख देती हूँ। अब हम बना रहे फटाफट पूड़ी, मेरी देवरानी पूड़ियाँ बेल रही हैं। तो बन गई थी मेरी सारी पूड़ियाँ, अब मैं बना रही हूँ हलवा। तो मूंगफली के तेल में मैंने पूड़ी बनाई थी, जिसमें से हल्का सा ऑयल था जिसमें मैं हलवा बना रही हूँ, और मैंने इसमें डाला है देसी घी। तो बस इसको आटे को अच्छी तरह आप धीमी आंच में भून लीजिए। और मैं आटे का हलवा बनाती हूँ उसमें पानी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लपसी या बहुत ज़्यादा गीला हलवा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है। इनफैक्ट मुझे आदत ही है ऐसा हलवा बनाने की, और बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा। आप तुरंत आप इसमें शक्कर डालिए और तुरंत पानी डाल के आप चलाइए, आपका हलवा तुरंत बनता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरह बनाइएगा इसको, आप धीमी आँच में अच्छे से भूनिए। तो मेरा आटा अच्छे से भुन गया है, इसमें मैंने डाला शक्कर और बहुत थोड़ा पानी, और मैं इसको हिलाती रहूँगी। बस आधे ही मिनट में 30 सेकंड में मेरा हलवा बन गया पानी डालने के बाद। आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दीजिए तो आटे का हलवा अच्छा नहीं बनता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा गीला गीला। तो आप ट्राई कीजिएगा, अगर अगली बार बनाइएगा आप थोड़ा पानी डालिएगा। तो ये पूड़ी हलवा मेरा बन गया है, बस हमारा किचन का काम हो गया था, अब हम बैठ गए साथ में हवन करने। तो वैसे तो बहुत लोग के यहाँ पंडित जी आते हैं हवन करने, लेकिन जब से हम कर रहे हैं तो हम लोग घर में ही हवन कर लेते हैं, ये कर रहे हैं, और हम और मेरी देवरानी साथ में हवन कर रहे हैं। अभी मेरा बेटा भी नहा के आ गया हवन करने।
हवन मेरा कंप्लीट हो गया और हम लोग ने आरती कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं कन्या खिलाने। तो हमारे घर में ये छोटू सी कन्या है जो कि नवरात्र के दिन ही हुई थी, जो इसके पहले नवरात्र पड़ा था इसमें ये हुई थी, थर्ड नवरात्र में ऐसे कुछ पड़ी थी, नवरात्र का तीसरा ही दिन था उस दिन ये हुई थी। और ये मेरे दोनों बच्चे, तो आपने सुना होगा हम लोग कन्या खिलाते हैं तो लंगूर भी खिलाते हैं, तो इन दोनों को हम दोनों बच्चों को भी, ये छोटी सी कन्या, हम लोग खिला रहे हैं कन्या। और ये आगे बढ़ के हर चीज़ पे हाथ मारती हैं, ये इनको तुरंत तुरंत पूरी चाहिए। अभी आप देखिएगा ये पूरा हलवा, बहुत मज़ा आता है इसके साथ खेलने में। अब ये ले ली है पूरी और खा रही हैं। और जब छोटा सा बच्चा ये हरकतें करता है कितना मजा आता है देखने में। देखो इसको। तो बस ये है मेरी देवरानी, ये भी कर रही है टीका कन्या जी को, और ये दोनों लंगूर। तो हम लोग लेके नहीं आ पाए थे गिफ्ट, तो बस दे रहे हैं बच्चों को। एक नेक नहीं होता, नेक में आप पैसे दे दीजिए, तो बस हम लोग नेक दे रहे हैं। तो ये माता जी हमें आशीर्वाद दे रही हैं, ये है माता जी। तो बस ये मेरी देवरानी, और ये भी दे रही है नेक माता जी को। और ये परेशान हो गई हम लोग की हरकतों से, उसके साथ टीका लगाया जा रहा, उसका छोटा सा पॉकेट था हम लोग उसी में पैसे डाल दे रहे थे, और ये माता रानी का आशीर्वाद ले रही है ये दोनों लंगूर। मेरा छोटा वाला बेटा पैसे देख के किसे स्माइल कर रहा है। बस मैं बच्चों के हाथ में पैसे नहीं रखती, इनके गुल्लक में डलवा देती हूँ जितने भी इनको पैसे मिलते हैं। और ये है मेरी नन जो आई है, इन्होंने मुझे हम लोग को दिया था सरप्राइज अचानक से आके, क्योंकि इस माहौल में आ पाना मुश्किल था, बट बहुत दिन हो गया था ये आई नहीं थी, यहाँ रुकी नहीं थी बच्चों के साथ, तो बस ये आ गई है। ये भी दे रही बच्चों को नेक। और ये देखिए पैसे देके कितनी खुश हो रही है। और ये पूरा दिन बच्चों के साथ कैसे निकल जाता है बिल्कुल नहीं पता चलता है। अब हम लोग जा रहे हैं पूरी चना हलवा खाने, और मैं इस समय ही खा लेती हूँ। बहुत लोग नौमी के बाद दसवीं को खाते हैं, बट मैं जो दशहरे में नवरात होता है उसको मैं दसवीं के दिन खाती हूँ अनाज, बट आज के दिन जब मैं नौमी कर लेती हूँ रामनवमी, तो मैं खा लेती हूँ पूरी चना से, मैं अपना व्रत खोलती हूँ। तो बस हम लोग खा रहे हैं और बहुत टेस्टी बना था। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा, और मैं बस यहीं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता दी। मैं अपना ब्लॉग कल डालूंगी और मैं बनाऊंगी इडली सांभर, आप लोग प्लीज़ मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए प्लीज़। ओके, टाटा बाय बाय।